इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं समझता हूं ये ना सिर्फ जनरल है ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट और ये जो रोड मैप दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए। काफी कॉन्क्रीट मुद्दे पर हमने ये डिसाइड किया है कि हम कोऑपरेट करेंगे, ये सब ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इसको अगले लेवल पे कैसे लिया जाए। ये एम्बेसडर मंजीवपुरी बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वो एम्बेसडर रह चुके हैं ब्रसल्स में। मैं समझता हूं कि अब भी रिलेशनशिप थोड़ा बिलो पोटेंशियल है, तो अच्छा हुआ कि ये दोनों लीडर्स मिले हैं, इन्होंने काफी रोड मैप डिसाइड किया है। मेरा इंटरेस्ट जो है स्पेशली वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में है, तो उसमें उन्होंने ये कदम उठाया है कि भाई मंत्री लेवल पे एक हाई लेवल डायलॉग होगा। लेकिन मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड इसलिए हूं कि एक अगर डेडलाइन होता तो अच्छा रहता, उन्होंने थोड़ा ओपन एंडेड कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई मंत्री दोनों मिलेंगे, बात करेंगे, पॉलिटिकल गाइडेंस देंगे। ईयू और इंडिया के बीच में एक प्रॉब्लम यह है कि हम काफी मुद्दे पर हम सहमत हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके 27 देश हैं, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, ब्रसल्स है, वो एम्बेसडर मंजीव सिंह पुरी काफी अच्छा जानते हैं, सो इसमें टाइम लगता है। तो मैं समझता हूं कि एक अगर डेडलाइन होता तो अच्छा रहता, लेकिन मैं समझता हूं ये जॉइंट स्टेटमेंट और ये जो रोड मैप है उसको आज के अंतरराष्ट्रीय स्थिति देखेंगे तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसमें ईयू एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोल है, ये मानना पड़ेगा इंडियंस को। इंडियंस हमेशा हम लोग बाकी देशों के बारे में बात करते हैं, चीन, अमेरिका, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत मजबूत, बहुत महत्वपूर्ण पोल है। जी महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं कि ईयू को लेकर उसको अंडरस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पोटेंशियल को आगे और एक्सप्लोर करने की जरूरत है जो शायद अभी हो सकता है। मिस्टर पुरी, आपको लगता है कि जो बात मोहन जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ी, भले ही डेडलाइन तय ना हुई हो, लेकिन कम से कम एक कंसेंसस बना है इस लिहाज से, और हम मिनिस्ट्रियल लेवल पर अब बातचीत होते आगे देखें, कम से कम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, ये उम्मीद तो बनती है जिसको लेकर कई समय से बात चल रही है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये बनती है। आप अगर मुझे माफ करें कि मोहन जी और मैं एक ही समय हम दोनों एम्बेसडर थे तो हमारी तालमेल भी बहुत चलता, तो अगर इस कार्यक्रम में हम लोग बिल्कुल एक जैसी बात करें तो हमें इस चीज के लिए क्षमा दीजिएगा। देखिए मैं मानता हूँ कि कोविड होते हुए भी ये दो नेता हैं, दोनों नेता वहां के ईयू के और प्रधानमंत्री मोदी मिले, ये इस चीज का संकेत देता है कि दोनों साइड बिलीव करते हैं कि उनको जो भी पास्ट में स्लोनेस वगैरह हो उसको आगे तीव्रता देनी है और इस पोटेंशियल को रियलाइज करना, ये मुझे सबसे ज्यादा अहम चीज लगी है इस पर्टिकुलर मीटिंग में। अब मोहन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर डेडलाइन होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं कहता हूं कि कई सालों से तो ये बीटीआईए में कुछ काम ही नहीं हुआ, इसलिए गाइडेंस मिनिस्ट्रियल लेवल, वो भी प्रधानमंत्री के लेवल से और उधर प्रेसिडेंट दोनों के लेवल से डायरेक्शंस हैं, ये तो अच्छा बात है। दूसरी चीज जरा संदर्भ देखिएगा, ये कोविड का माहौल, ग्लोबल जीडीपी मानते हैं लोग के कम से कम 5% से गिर जाए, हमारे यहाँ भी जरूर बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, और यूरोप में तो ऑलरेडी रिसेशन के बिल्कुल साइंस नजर आ रहे हैं। इस समय में अगर आप थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स ऐड करिए, ईयू में से ब्रेक्सिट हो गया, ब्रिटेन निकल गया, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी निकल गई, ट्रांस एटलांटिक अलायंस में कुछ ना कुछ मामला बहुत अच्छा चल नहीं रहा, चाइना अग्रेसिव और जिसको कहते हैं हेजेमोनिस्टिक बहुत ज्यादा हो रहा है। ईयू की सिर्फ ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं हुई, ईयू पार्लियामेंट ने चाइना के खिलाफ हांगकांग के सिक्योरिटी लॉ पे एक रेजोल्यूशन पास किया, ईयू ने डिसाइड किया कि चाइना को मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस नहीं मिलेगा ईयू में, ये बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है जी। और ईयू ने साथ में ये भी कहा कि चाइना डिस इंफॉर्मेशन फैला रहा है कोविड के मामले, तो मेरा मतलब ये नहीं कि चाइना के साथ जो ईयू के रिश्ते हैं वो बहुत जल्दी शीघ्रता से कम होंगे, वो बहुत बड़े विस्तार के, लेकिन ओपनिंग्स मिलती हैं और ओपनिंग्स को लेना पड़ता है। तो मैं ये जो शिखर सम्मेलन है इसमें आपको कहूंगा कि मे बी 5 बड़े मुद्दे जी। पहले मुझे बहुत खुशी हुई है कि ट्रेड पे मूवमेंट, क्योंकि असल में ईयू क्या है, एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, और इकोनॉमिक ब्लॉक वो है जो ईयू यूरोप में एक्शन करता है, यहाँ भारत में जो एक्शन होता है वो ईयू की तरफ से बहुत कम होता है, वो होता है यूरोपियन देशों की तरफ,
मोहन जी ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हौसला दिलाया, ये तो जी बहुत अच्छी चीज, हमने कोई 2-3 साल पहले वहां से शुरू करवाई, वो सारे मेट्रोज की यहाँ पर बहुत बड़ी निवेश कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन यूरोप में एक्शन होना, ट्रेड उसमें सबसे ज्यादा अहम चीज। मुझे जी इसमें भी खुशी हुई कि हम लोगों ने एग्री किया है कि कोविड में अफोर्डेबल और एक्सेस वैक्सीन या जो भी थेरोपेटिक्स बने उनके लिए हम लोग इकट्ठा काम करेंगे। जी देखिए यूरोप में आप डेथ रेट देखिएगा कितना हाई हुआ है, सबसे बड़े कंट्रीज में, जो सबसे शक्तिशाली कंट्रीज हैं, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो, और ग्रेट ब्रिटेन जो आप उसका पार्ट नहीं है, उधर भी देखिए हमारे यहाँ डेथ रेट जरा कम रहा है लेकिन केस लोड काफी हाई। अगर हम लोग कोऑपरेट करें तो हमारे दोनों के लोगों का फायदा होगा लेकिन विश्व के जो लोगों का फायदा होगा। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात एक कर रहे हैं कि चीज ये विश्व के फायदे के लिहाज से भी ये सहयोग कहीं ना यहाँ कहीं, जी ये महत्वपूर्ण आप, बनता है। मैं सिर्फ एक जी छोटा सा पॉइंट और कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये कहा कि हमें मानव सेंट्रिक होना चाहिए, तो एक चीज मानिएगा कि यूरोपियन यूनियन जो इतना बड़ा डेमोक्रेसी है और फ्रीडम लविंग है, और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, अगर हम दो ह्यूमन सेंट्रिक बात करें तो इससे ह्यूमन काइंड के लिए कितना ज्यादा फायदा होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इन चीजों पे सहमत हुए। जियोपॉलिटिक्स पे तो वैसे भी सहमति बनती है जी लेकिन एक्शन करने की जरूरत है, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत फायदेमंद समिट है और इसको आप आगे ले जाने की जरूरत बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि हमारी बातचीत का आधार कहीं ना कहीं मानव केंद्रित है और लोगों का भला, मानवता का भला कहीं ना कहीं हो, इसको कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट के तरीके से देखा जा रहा है। आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिए। एक और स्टेटमेंट हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं जो कि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निकला था, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत होगी, इस बात का भी जिक्र विकास स्वरूप जो कि जिन्होंने प्रेस वार्ता की आज विदेश मंत्रालय के माध्यम से उसमें जिक्र किया, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। During the 15 summit discussions today, one of the most important outcomes was the setting up of this high-level dialogue on trade and investment relations, which will discuss all trade and market issues as well as supply chain linkages. The two sides have expressed their commitment and agreed to work for a balanced, ambitious, and mutually beneficial trade and investment agreements. The high-level dialogue, which will be held in the coming months, is expected to provide high level guidance and directions to take these two agreements forward. तो दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एम्बेसडर मोहन कुमार जी, आपको लगता है कि जिस रोड मैप का जिक्र आप कर रहे थे, जिसको एक तरीके से अडॉप्ट किया गया, उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत से क्षेत्र हैं, इस आपको लगता है कि कौन से ऐसे ज्यादा ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया और ईयू के बीच में, जहां पे अगर हम काम करें तो शायद बहुत जल्दी से रिजल्ट हमको जमीन पर दिखाई पड़ सकते हैं, आप किन चीजों को रेखांकित करना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहूंगा कि एक तो स्ट्रेटेजिक मुद्दा है, दूसरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, और तीसरा पीपल टू पीपल रिलेशंस है। मैं यही, बाकी बाकी मतलब एम्बेसडर पूरी भी काफी वहां रह चुके हैं ब्रसल्स में, वो कहेंगे ज्यादा, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी में देखा जाए तो एक तो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो बहुत सालों से मतलब कर रहे हैं, उसका आज एग्रीमेंट हुआ है, उससे मैं बहुत खुश हूं। एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो गया है। आपके दर्शकों को शायद मालूम न हो कि फ्रांस, जहां पे मैं एम्बेसडर था, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क जैतापुर महाराष्ट्र में बना रहा है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो हो रहा है, जो वो फ्रांस महाराष्ट्र में कर रहा है। इसलिए सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट ईयू के साथ एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने मैरिटाइम कोऑपरेशन, मैरिटाइम डायलॉग के बारे में बात की है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग मानता हूं कि उन्होंने इंडो पैसिफिक का एक्सप्रेशन यूज नहीं किया, उन्होंने इंडियन ओशन और पैसिफिक किया है। जी। इसका वजह यह हो सकता है कि इंडो पैसिफिक थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, इंडियन ओशन आप अफ्रीका के पास भी जा सकते हैं, और फ्रांस का काफी इंडियन ओशन में एसेट्स हैं, रियूनियन आइलैंड्स वगैरह, तो ये भी हो सकता है। और मैं समझता हूं, आपको देखिए, आपने क्वाड तो बना लिया इंडो पैसिफिक में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच में, आपको फ्रांस और ईयू को लाना ही पड़ेगा इसमें, ये तो करना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं इंडियन ओशन पैसिफिक ही सही, उसमें हम स्ट्रेटेजिकली हम एक्शन लेंगे, तो ये बड़ी जरूरी है। दूसरा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मैं कह चुका हूं आपसे कि बड़ी अच्छी बात है, मैं मंजीव सिंह जी से बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत ही अच्छी बात है कि मिनिस्टीरियल गाइडेंस है, लेकिन मैं समझता हूं ये 2025 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये रोड मैप है उसके बहुत ही पहले, क्योंकि हम 8-9 साल कर चुके हैं निगोसिएशन, ये हम जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं,
हमने काफी नेगोशिएट किया है यूके यूके साथ, तो मैं समझता हूं 2-3 साल में अगर ये हो जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। जी। तीसरा पीपल सेंट्रिक ये है कि हम मोबिलिटी, अगर आप देखेंगे अमेरिका में काफी लोग जा चुके हैं, वहां प्रॉब्लम्स हैं, कनाडा में हैं, ईयू मैं समझता हूं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव है, तो यूरोप में हमारे बिजनेसमैन जा सकते हैं, हमारे कंपनीज वहां काम कर सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली में। तो मैं समझता हूं ये पीपल टू पीपल रिलेशंस, इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के बीच में वीजा का जो मुद्दा है, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ये रोड मैप ये दिखाता है कि इंडिया ईयू का जो कोऑपरेशन है वो मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करेगा। कोविड और पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी में उन्होंने एक एक्सप्रेशन यूज किया है पहली बार, ह्यूमन सेंट्रिक डिजिटलाइजेशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड जो है वो काफी बड़ा है, और इसमें भी अगर 5G देखेंगे, हो सकता है हम अपने देश में ही 5G हम कर लें, फिर भी एरिक्सन नोकिया का जो 5G है और डिजिटल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखेंगे, यूरोप और इंडिया में बहुत सहमत है। प्राइवेसी आप देखेंगे डिजिटल एरिया में, अगर आप प्राइवेसी देखेंगे, डेटा सेफ्टी सिक्योरिटी देखेंगे, ईयू और इंडिया में काफी मतलब तक हम लोग सहमत हैं, एक ही व्यू पॉइंट है इसमें। उनका जो ये जनरल डेटा यूरोपियन रेगुलेशन फ्रेमवर्क है उसको हम बिल्कुल ही हम अडॉप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हमें ये बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल, ये वक्त की जरूरत की चीज है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर। एमिस्टर पुरी, आपको लगता है कि अब कोविड के चलते एक तरीके से दुनिया भर में एक शटडाउन सा आ गया, तो उसके बाद में दोबारा से अनलॉक की प्रक्रिया कह सकते हैं या दोबारा से शुरुआत की प्रक्रिया कह सकते हैं हुई है, ऐसे में एक रीअलाइनमेंट दिखाई पड़ रहा है वर्ल्ड वाइड, अगर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट और पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिहाज से बात करें, आपको लगता है कि इस नए रीअलाइनमेंट के बीच में ईयू के माध्यम से इंडिया के बीच में इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर यहां पर नए एक FDI के लिहाज से अगर बात की जाए, आपको लगता है कि उस दिशा में क्या नए संकेत दिखाई पड़ सकते हैं, तब जबकि एक ग्लोबली एक कई प्रकार के पावर बैलेंस में नए प्रकार के इक्वेशंस भी दिखाई पड़ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 2-3 लफ्ज यूज करता हूं। एक तो लफ्ज है बेटर इकोनॉमिक्स, जो बात मोहन जी और मैं दोनों कह रहे हैं कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ोतरी दीजिएगा। याद रखिएगा, ईयू इज बाय फार इंडिया लार्जेस्ट FDI जो इंडिया में है, ये एक हिस्टोरिक चीज है। अब आज के समय हमें इनके लिए और ओपन करना चाहिए। अब आप देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने इंडिया ग्लोबल समिट में कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हम लोगों के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, और मैं मानता हूं कि ईयू के कंपनीज के साथ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यूजिक टू देयर इयर्स, ये बात क्योंकि अभी तक इतनी खुल के किसी ने नहीं कही थी, ये बहुत अच्छी बात हुई और ये चीज वहां पर बहुत अच्छी तरह से लोग समझेंगे, क्योंकि ये कंपनी है जो पुराने समय से कई सदियों से इंडिया में लगी हुई है और काम कर रही है और बहुत बड़े पैमाने पर निवेश लाती, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, दूसरी तरफ हमारे लोग वहां जाए इसमें भी वहां पर भी फायदा होगा, क्योंकि ये याद रखिएगा यूरोप इज गोइंग टू बी फेसिंग जिसको कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन, देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स देयर ऑन डेमोग्राफी। हम लोग अगर ये चीजों को कॉम्प्लीमेंट्री करें तो इससे बहुत दोनों साइडों को जबरदस्त फायदा होगा। मैं एक और मुद्दा आपके सामने रखना संक्षेप में सर, ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने कहा था क्लाइमेट चेंज और इसकी इंपॉर्टेंस हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि यूरोप लीडर है इन टेक्नोलॉजीज में और हमें इनकी हेवी इंडस्ट्री में, हेवी ट्रांसपोर्ट में बहुत नीड है। बिल्कुल सर, इस विषय पे भी कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत। सर वक्त थोड़ा सा गुंजाइश ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही, एक फाइनल कमेंट मिस्टर कुमार आपसे लेना चाहूंगा मैं, आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान के बारे में भी चर्चा हुई, आपको लगता है कि ये चर्चा भी अपने आप में कई बात का संकेत देती है कि किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए ये दो तरह से आप देख सकते हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि फॉर्मल स्टेटमेंट में उन्होंने यह कह दिया है कि चीन के साथ हम यही इच्छा मतलब हमारी आशा यही है कि भारत और चीन पीसफुली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, अब यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर्मली। और पाकिस्तान के बारे में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे ये यूरोपियन यूनियन ने आपको सपोर्ट दिया है, लेकिन मैं समझता हूं अंदर वाली बात ये होगी कि यूरोपियन यूनियन को भी ऐसा लग रहा है कि चीन के एक्शन जो हांगकांग में हुआ है,
चीन के एक्शन जो कोरोना वायरस के समय में यूरोप